हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका चला हुआ है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। आज है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 12 फॉर क्लास 11। तो देखिए, जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो रिलेटेड टू योर डेली लाइफ। आपके डेली लाइफ में भी काम आने वाला चैप्टर है और जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं उनमें भी यहाँ से कम 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 2 से कम कभी भी नहीं हो सकते, 2 मार्क्स से कम कभी नहीं हो सकते। अब आप ये मत सोचना कि 2 मार्क्स ही तो है, छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। चैप्टर बहुत ज़्यादा हैं और उनमें से सभी में से किसी में 2 तो किसी में 3 मार्क्स कटका आएगा। अगर ऐसे छोड़ने लग गए तो फिर सारा ही छूट जाएगा। और ये तो वो पार्ट है फिजिक्स का जो बहुत ज़्यादा ईजी है और आपके साथ जो डेली लाइफ में होता रहता है, बस उसको थोड़ा सा तरीके से मेथड से पढ़ लेना है, बाकी कुछ भी है ही नहीं। तो कोई भी बच्चा अगर आज पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहा हो, यानी फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर अगर कोई अटेंड कर रहा हो, तो ये मत सोचना कि पीछे के 11 मेरे छूट गए इसलिए मेरे तो ये समझ में नहीं आया। ऐसा कुछ भी नहीं है, पीछे का 1% भी कुछ भी यूज नहीं होगा, बिल्कुल फ्रेश और न्यू टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिख रखा है यहाँ पे मेजरमेंट। आप सभी को पता है मेजरमेंट्स क्या होते हैं। देखो, मैं जो ये आपको करवा रहा हूँ एग्जाम में, जो आपका स्कूल में एग्जाम होता है उसमें कहीं पे नहीं आता कि व्हाट इज मीन बाय मेजरमेंट, नेम इस्ट डिफरेंट टाइप्स या नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट या डिफरेंशिएट बिटवीन दिस, नहीं, केवल और केवल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बस, ये फाइंड आउट कर दीजिए कि इनमें से कौन सा टाइप है। यानी मेन हमारा मकसद रहेगा इसको सीखने का, ना कि इसकी डेफिनेशन बना के साफ सुथरा नोटबुक में लिखने का, नहीं, ये मकसद नहीं है। आप जैसे करके, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे भी हिंदी में इंग्लिश में आप कैसे भी नोट कर लीजिए इस पार्ट को, क्योंकि ये केवल और केवल इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यानी बिल्कुल छोटा सा आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके बारे में तुम्हारे से कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इनकी नॉलेज होनी जरूरी है तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो देखिए, एक्यूरेट, और एक मैंने लिखा है प्रेसिस। दोनों ही मेजरमेंट होते हैं, लेकिन फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट दिया जिसका मास नोन था, मेरे को पता था कि इसका मास 0.5, इसको भी मेजर करने में आपको दिक्कत होगी कि आप घर पे नहीं कर सकते। ऐसा कोई मेजरमेंट लेता हूं जो आप घर पे भी यूज कर सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई एक रोड है, ठीक है, और उसकी लेंथ है वो गिवन है या नोन है, मेरे को पता आपको नहीं पता, 5 सेंटीमीटर। कितनी? 5 सेंटीमीटर। ले सकते हो ना, घर पे कर सकते हो इजीली, सभी को करके देखना है। लेकिन अब दिक्कत एक आएगी, आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होगा, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स की। कोई बात नहीं, फिर भी आप एक इंस्ट्रूमेंट से भी आप इसको करके देख सकते हो। तो देखिए, मैंने एक लेंथ ली या कोई भी रोड ली जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है एक्चुअल वैल्यू। ये इसकी क्या थी? एक्चुअल वैल्यू। मैंने 5 स्टूडेंट्स से ये काम दिया कि आपको ये लेंथ मेजरमेंट करनी है, ये आपके पास मेजरमेंट के टूल रहे, इंस्ट्रूमेंट्स रहे, जिसमें मैंने दिया स्टील रूल, यानी जिसको आप लोहे का स्केल बोलते हो ना, जो जनरली यूज करते हो लाइन खींचने के लिए, हाँ वो वाला, उसको बोलते स्टील रूल, वो भी एक
मेजरमेंट टूल है, लेंथ मेजरिंग टूल है, तो वो मैंने आपको दिया। उसके बाद आपको दिया वर्नियर कैलिपर, दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि अभी आपको इसी मंथ में मैं कहीं से लेके आपके घर पे अरेंजमेंट करके आपको दिखाऊं और उसका यूज करना भी सिखाऊं। अदरवाइज क्लास में तो 100% प्रैक्टिकल होनी होती है, क्योंकि मैंने मेजरमेंट का पार्ट अभी रोक के रखा हुआ है कि वो तब करवाऊंगा जब हम इंस्ट्रूमेंट्स हमारे हाथ में होंगे। तो सभी बच्चा वन बाय वन करके देखेगा, तब वो बहुत अच्छे से समझ में आता है और आपको उसका यूज करना भी आएगा। वो अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है मेजरमेंट। तो एक वर्नियर कैलिपर दे दिया, एक दे दिया माइक्रोमीटर। क्या दे दिया? एक माइक्रोमीटर, जिसको स्क्रू गेज भी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है स्पैरोमीटर, लेकिन उसका यूज यहाँ पे नहीं होगा। तो मैंने आपको कितने टूल दिए, कितने इंस्ट्रूमेंट दिए? तीन। तीनों की हेल्प से मेजरमेंट आपको करनी है। किसी बच्चे ने कोई ले लिया, किसी ने कोई ले लिया, किसी ने कोई ले लिया। सपोज ये ऐसे करके चलो तीन ही बच्चों को काम दिया, तीनों ने अलग अलग टूल ले लिए, ठीक है। तो उस कैटेगरी को मैंने नाम दिया ए। उसको क्या नाम दिया? ए। अब उन्होंने जो रीडिंग मेरे से बताई, ए ग्रुप में जो तीन स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मेरे पास रीडिंग नोट करवाई 5.10, 5.20 एंड 4.90। ये रीडिंग मेरे पास ए ग्रुप ने नोट करवा दी कि हमारी रीडिंग ये आई है। सारी सेंटीमीटर में है, सभी किस में है? सेंटीमीटर में है। अब मैंने यही काम एक दूसरे ग्रुप को दिया, उसमें भी तीन स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मेरे से रीडिंग नोट करवाई 6.10, 6.11, 5.99, 6. चलो ये भी ज्यादा दूर हो गया, और नजदीक लेते हैं 6.12। ऐसे करके इन्होंने मेरे से ये रीडिंग नोट करवा दी। क्लियर दिख रहा है साफ साफ आपको? अब आप देखिए कि हमारी एक्चुअल वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। इस 5 सेंटीमीटर के ये जो रीडिंग है, ये बहुत नजदीक हैं। तो एक्यूरेट का मतलब हो गया एक्चुअल के नजदीक। ध्यान से समझना भी, एक्चुअल के नजदीक। भाई मेरे को हिंदी थोड़ी ऐसी लिखनी आती है, पता नहीं बड़ी आई छोटी आई, वो आप देख लेना। एक्चुअल के नजदीक, बट गैप ज्यादा। इसका मतलब तो यही हुआ कि एक्यूरेट में जो रीडिंग आती है, मैंने ए पार्ट एक जगह पे रखा, बी पार्ट एक जगह पे रखा, तो मेरे को तो पता है पहले कि ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये किस में, लेकिन आपको नहीं पता, आपको कैटेगराइज करना है। तो एक्यूरेट का मीनिंग मैंने यहां पे बता दिया, एक्चुअल के नजदीक लेकिन आपस में गैप ज्यादा। इसका मतलब वो मेजरमेंट आपका कैसा है? एक्यूरेट है। उसको क्या बोलते हैं? एक्यूरेट बोलते हैं। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए इसमें फिर इसमें डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? ये वैल्यूज सारी की सारी इस 5 सेंटीमीटर से बहुत दूर है, बहुत दूर है। सही बात है कि नहीं? 1 सेंटीमीटर का एरर हमारे पास आ रहा है, 1 सेंटीमीटर का लीस्ट एरर, यानी कम से कम 1 सेंटीमीटर की गलती तो सभी ने की, किसी ने थोड़ी सी और भी ज्यादा कर दी। तो इट मींस यहां पे इसका मीनिंग हो गया एक्चुअल से दूर, लेकिन गैप किसमें? इन मेजरमेंट, इन रीडिंग्स गैप इज स्मॉल और वेरी लेस। इनके बीच में जो गैप है वो बहुत स्मॉल, बहुत छोटा है, या बहुत ही कम, वेरी लेस है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? प्रिसाइस। और इसको क्या बोलते हैं? एक्यूरेट। बताइए सभी, आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक्यूरेट और प्रिसाइस में डिफरेंस। प्रिसाइस का मतलब होता है
जो वैल्यू नोन है उससे दूर रीडिंग आ रही है, लेकिन अगर किसी ने नंबर ऑफ मेजरमेंट किए हैं, यानी बार बार एक ही बच्चे ने मेजरमेंट किए हैं, या तीन अलग अलग बच्चों ने, चार ने, पांच ने, यानी ग्रुप ने उसी का मेजरमेंट वन बाय वन किया, पहले मैंने किया, फिर दूसरे ने किया, फिर दूसरे ने किया, और हमने सभी ने रीडिंग नोट कर ली, तो वो ऐसी आई। हमारे जो हमने अपनी रीडिंग ली, जैसे मैंने ली और एक मेरे फ्रेंड ने ली, दोनों की जो रीडिंग है उनके बीच में गैप बहुत कम आया, यानी हमारे आपस में इनके बीच में जो गैप है वो बहुत कम है, लेकिन हमारा जो रीडिंग है वो जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे बहुत दूर गई, उससे तो बहुत ज्यादा दूर गई, गैप तो बहुत ज्यादा हो गया किसके बीच में, एक्यूरेट वैल्यू, सॉरी एक्चुअल वैल्यू और मेजरमेंट या रीडिंग्स के बीच में। तो इसको बोलते हैं बेसिस और इसको बोलते हैं एक्यूरेट। क्लियर? अब देखिए एक क्वेश्चन आया कि उसमें रीडिंग दे दी गई, एक्चुअल वैल्यू दे दी कि ये एक्चुअल वैल्यू है, ये नॉन वैल्यू है, यानी ये एक नॉन वैल्यू है, वो मैं मान लेता हूं कि वो क्वेश्चन जो भी था वो बताऊंगा आपको, लेकिन मैं मान रहा हूं कि यही क्वेश्चन था कि मेरे को पता था कि नॉन वैल्यू 5 सेंटीमीटर गिवन था, नॉन वैल्यू इज 5 सेंटीमीटर, बट रीडिंग्स आर, फिर वो रीडिंग लिखी गई, और वो रीडिंग क्या लिखी गई देख लेते हैं, 5.00, 4.9 और 5.01, 5.02, ये रीडिंग आ गई। चार भी हो सकती है, पांच भी, जरूरी नहीं थी, कितनी भी हो सकती है, नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी भी हो सकती है, ये सारी सेंटीमीटर में ये रीडिंग आ गई। अब वो पूछ रहा है कि ये जो रीडिंग है ये इनमें से कौन सी है, प्रिसिस है या एक्यूरेट, ये जो मेजरमेंट की रीडिंग हुई इनको क्या बोल लेंगे, इस कैटेगरी में रखें या इसमें। अब ऑप्शन आते हैं चार, एक एक्यूरेट आ गया, एक प्रिसिस आ गया, तीसरा ऑप्शन एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसिस, और फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ दिस, या डाटा इनकम्प्लीट, डाटा कंप्लीट नहीं है। तो अब बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। देखिए आप कंपेयर करके देखिए, 5 के नजदीक बिल्कुल नजदीक है, अगर गैप देखें तो इसके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, इसके बीच में गैप बहुत ज्यादा है। अब देखिए ये जो वैल्यूज है, चलो मैं थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ 5.10 और 5.20 ताकि और अच्छे से आपको क्लियर आउट हो। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, अब ये जो वैल्यू है ये फिर दोबारा से देखिए, इससे 0.1 का गैप आ गया, 0.1 का गैप कम नहीं होता मेजरमेंट में, 0.2 का गैप आ गया, गैप ज्यादा, और देखा जाए तो इनमें से एक आध रीडिंग बिल्कुल इसके नजदीक भी है, एक्चुअल के बराबर भी है। इट मीन्स यहाँ पे कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल है, किस कैटेगरी में रखू, इसमें रखू या इसमें, तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज। तो ये क्वेश्चन यहां से आपका नोट होता है, पॉइंट नोट कर लीजिए, मेजरमेंट ए सिंगल ग्रुप ऑफ मेजरमेंट इज मे बी एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज, एक सिंगल ग्रुप की रीडिंग ही एक्यूरेट भी हो सकती है और प्रिसाइज भी हो सकती है, यानी दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली हो सकती है। क्लियर? ये चीज आपको पता चली या नहीं चली? चलिए अब आता है इसी में, अगर कोई मेजरमेंट करे और उसे मेजरमेंट में आपसे कोई ये पूछे कि एक्यूरेट वैल्यू निकालते कैसे हैं, भाई ये तो ठीक है इसको हम एक्यूरेट की कैटेगरी में रख रहे हैं, लेकिन निकालेंगे कैसे, तो निकालेंगे कैसे, बहुत इजी सा तरीका है, एक्यूरेट वैल्यू इज इक्वल टू मीन वैल्यू, जो एक्यूरेट होता है ना एक्यूरेट, इसको मीन के बराबर भी लिखते हैं, किसके बराबर लिखते हैं, मीन, ये तो सभी को पता है, आपको 10th क्लास में सभी का पढ़ा हुआ है, मीन कैसे निकालते हैं, कितनी रीडिंग है, 1, 2, 3, तो सभी को जोड़ दीजिए। देखिए अगर थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेंजमेंट कर रहा हूं इसमें,
कि ये जो रीडिंग आई इसका नाम दिया मैंने X1, इसका नाम दिया मैंने X2 और इस रीडिंग का नाम दे दिया X3, इसका मैंने क्या नाम दे दिया X3। तो यहाँ पे जो एक्यूरेट है ना, एक्यूरेट उसको मैं मान रहा हूं कि X से आपकी ये है जो ये है X, इस तरह से थोड़ा सा आपको मैं यूज करना सिखा देता हूं इसका। मेरे पास जो एक्चुअल वैल्यू थी अगर वो एक्स थी तो रीडिंग आई X1, X2, X3। अब मेरे को निकालना क्या है, मीन, यानी एक्यूरेट जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, मीन के बराबर होगी। तो ये जो यहाँ पे जो आपने कंसीडर किया, एक्स किया, वाई किया, जेड किया, जो भी किया है, उसी की टर्म में इनको नाम देना होता है रीडिंग को, और उसी की टर्म में मीन वैल्यू को नाम देना होता है। तो जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू होती है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार, क्या लगा देते हैं, बार, BAR, बार, ये इस तरह से एक लाइन इसके ऊपर लगा देते हैं, यानी सर के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये होता है X1 प्लस X2 प्लस X3 अपॉन 3। बस सोल्व करके आप इसका आंसर यहाँ पे नोट कर दोगे, क्लियर। तो ये था आपका मेजरमेंट में एक्यूरेट और प्रेसिस। अब देखिए यहाँ पे, यहां से जो आंसर आया, सपोज इनको इनका सम करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा वो मान ले, देखिए आएगा तो लगभग एग्जैक्ट 5 ही, लेकिन मान लिया कि कितना आ गया, 5.10 मेरे पास आंसर आ गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक्यूरेट वैल्यू ये है, लेकिन एक्चुअल डाटा मेरे पास गिवन था वो तो ये था। तो इनमें और इनमें जो गैप बन गया ना, अब इनमें और इनमें जो आपके पास गैप बन गया, ये होता है आपका एरर, ये आपका एरर है, यानी कॉमन एरर जिसको बोलते हैं अब्सोल्यूट एरर। सभी का, सभी की जो रीडिंग है उन सभी को मिला जुला के हमने एक्यूरेट निकाली और उसका जो कॉमन एरर था वो ये आ गया, यानी इसमें से क्या घटा देंगे, एक्स बार में से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव, कम भी तो हो सकती है ना, इससे वैल्यू कम भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो जो एरर होता है वो माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, लेकिन तरीका यही है, मीन माइनस एक्चुअल, मीन माइनस एक्चुअल। इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, अब्सोल्यूट एरर। क्या नाम दिया गया है, अब्सोल्यूट एरर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, यही रीडिंग में दोबारा लिखूंगा और आपको इसको इससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एरर्स में निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। आप इतना इसको नोट करके और अच्छे तरीके से इसका मेडिटेशन करें, पहले नोट करें, फिर बिल्कुल शांत माहौल में बैठ के और पूरा सोचें कि मैंने वीडियो में क्या क्या बोला, ठीक है, और फिर आपने उसको नोट किया। एक एक बात याद होनी चाहिए कि मैंने क्या आपसे बीच में डिस्कस भी किया, बात भी करने लग गया आपसे, ऐसे सारी चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए, उसको बोलते हैं मेडिटेशन, ठीक है। ऐसा अगर आपने किसी टॉपिक का कर दिया तो जिंदगी में कभी उस टॉपिक को आप भूल नहीं सकते। चलिए एक पार्ट हुआ कंप्लीट, देख लो इतनी ईजी होती है फिजिक्स, अप्रोक्सीमेटली 100% ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता जिसने कंसंट्रेशन से वीडियो देख लिया और उसको ये समझ में ना आए, ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता। चाहे उसको बुक पढ़नी ना आए, चाहे उसको इंग्लिश पढ़नी ना आए, चाहे उसको हिंदी पढ़नी ना आए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि फिजिक्स समझ में ना आए। फिजिक्स बहुत ईजी है, इन सभी से ईजी है, क्योंकि मैं अभी आपसे बता रहा था कि मेरे को हिंदी में नहीं लिखना आ रहा, हो सकता है कोई ये मात्रा वगैरह लगती इधर के उधर भी हो जाए, मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं आता तो नहीं आता, क्योंकि पता नहीं बहुत दिन हो गए लिखे हुए हिंदी में, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो भी जाए, लेकिन फिजिक्स आती है, क्यों, क्योंकि वो उससे ईजी है और मैं सबसे ईजी चीज पढ़ता हूँ। चलिए अब आता है एरर। एरर को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया, देखिए आपके पास जो भी बुक होगी उसमें ये कम से कम 5 टाइप के जरूर मिल जाएंगे, कहीं पे रैंडम एरर, कहीं पे ग्रोस एरर, कहीं पे कॉन्स्टेंट एरर, सिस्टमेटिक एरर, इंडिविजुअल एरर, ऐसे करके आपको बहुत सारे एरर मिल जाएंगे, लेकिन आपको फॉलो करना है मेरे को, मैं आपको बता रहा हूँ कि एरर दो ही तरह के होते हैं बस। कितने तरह के, दो ही तरह के होते हैं, मैंने इनको बस केवल 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है जो एरर है। एक को मैंने नाम दिया है सिस्टमेटिक एरर और दूसरी को मैंने नाम दिया है रैंडम एरर। जो सिस्टमेटिक एरर है, नाम से पता चल रहा है एरर सिस्टमेटिकल है, यानी अप्रोक्सीमेटली तो ये मिलेगा इंस्ट्रूमेंट में,
इसको क्या कह सकता हूं मैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। समझ गए? जैसे मैं सिंपल सा बिल्कुल मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूं जो आप सभी देखते हो, घर में आपके जो भी पेरेंट्स होते हैं, मम्मी है, बहन है, सिस्टर है, जो भी है, इवन घर में परिवार में कोई भी है, तो कपड़े की जो सिलाई वगैरह करते हैं या चाहे नहीं करते उनके घर में, लेकिन इस तरह से उसको क्या बोलते हैं, वो मेजरमेंट का एक लेंथ मेजरिंग आपका मिलेगा जिसमें एक साइड में इंचीज होती है, एक साइड में सेंटीमीटर वगैरह होते हैं, तो इसको बोलते हैं फित्ता। फित्ता सुना होगा ना, फित्ता बोलते हैं इसको, इंची टेप भी बोल देते हैं, वो फोल्डेबल होता है, कपड़े का सा बना हुआ होता है, मान लिया वो है मेरे पास। अब क्या होता है, यूज करते 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 कई बार क्या होता है कि जीरो, फिर उसके बाद इसमें फाइव काउंट, फिर वन, फिर ऐसे करके ऐसे होता है। अब यूज करते 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 ये जीरो से लेकर यहाँ तक का हो गया कट, इसके बाद आ रहा था वन, उसके बाद आ रहा था टू, उसके बाद आ रहा था थ्री, ऐसे करके आगे रीडिंग थी। अब ये टूट गया, कितना टूट गया, अब टूट तो कितना भी सकता है, मैं तो ऐसा इजी वे में बता रहा हूँ आपको, कितना टूट गया, एक से शुरू हो गया। अब आपने मेजरमेंट किया ऐसे, एक लेंथ के ऊपर लगाया ऐसे, इसको ऐसे करके, और आपने देखा कि मैंने वन यहाँ पे सेट किया और यहाँ पे मेरे पास रीडिंग आ गई 4.2, कितने आ गई 4.2। तो मेरे को ये बताइए, अगर आप सही तरीके से मेजर करोगे, चाहे किसी को भी मेजर कर लो, अगर एक बार इसको यूज करोगे तो एरर कितना बन रहा है, 1 सेंटीमीटर, 1 जो भी है आपका, ये 1 सेंटीमीटर टूटा हुआ था, 1 सेंटीमीटर का एरर आ गया कि नहीं आ गया, बताइए मेरे को भाई। अगर इसमें जो आपका मेजरमेंट आया इतना, इसका 1 सेंटीमीटर टूटा हुआ था, इसमें से सबट्रैक्ट कर दो, बात सही है कि नहीं है, यानी ये तो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इसको ठीक भी किया जा सकता है। हाँ, कर सकते हैं। कि क्या करेंगे कि ये 1 को 0 मान लीजिए और 2 को 1 मान लीजिए, एंड फिर लिख दीजिए एंड शो, आगे क्या लिख दो कि सोना, ऐसे ही चलता रहेगा, अगर 50 आया तो 49 आंसर। ठीक है, क्लियर हुई कि नहीं बात? चलिए उसके बाद और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि मैंने उस वो जो इंची टेप जिसको मैं बोल रहा हूँ उसको पकड़ने में दिक्कत कर रखी है, और मैं जब भी मेजरमेंट करता हूँ इसी तरीके से करता हूँ कि इसको बचाने के लिए इसको बचाने के लिए देखना, इसकी जो एंडिंग होती है वो मेटालिक होती है ना, देखना ध्यान से, इसकी एंडिंग जो होती है वो मेटालिक होती है, क्योंकि आप बार बार ऐसे यूज करोगे हाथ से, उसके जो कोट जो भी कपड़ा है आपका उसके धागे से निकलने लग जाएंगे और वो टूटने लग जाएगा, इसलिए यहाँ की एंडिंग कर देते हैं क्या, लोहे की। और दूसरा, उसको लगाने में दिक्कत नहीं होती कि अगर इसकी मेटालिक एंडिंग है तो इसको हम बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं, और अगर कपड़े की होगी थोड़ा बहुत मुड़ सकता है ना, हाँ, इसलिए उसकी एंडिंग कर देते हैं। अब देखिए, जब मैं मेजर करता हूँ तो ये मेरी इंडिविजुअल यानी हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है कि मैं इसको पता नहीं कैसे पकड़ लूँ, मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे हाथ में आया ना जितना पार्ट मेटालिक, उसको पकड़ के और ऐसे मोड़ के फिर मेजरमेंट करता हूँ, मैं मोड़ के फिर क्या करता हूँ मेजरमेंट। जैसे मेरे पास से ये है, इस तरह से ये डस्टर है, जैसे ये मेटालिक एंडिंग है इतनी, मैं पकड़ने का तरीका मेरा हमेशा ये रहता है, मैं तो है ना ऐसे मेजरमेंट करता हूँ, ऐसे ऐसे, तो ये जो मेरे हाथ में पकड़ लिया ये एरर हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। अब ऐसे पकड़ने का तरीका हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, कोई ज्यादा पकड़ ले, कोई कम पकड़ ले, और हो सकता है सभी एक जैसे पकड़ ले, तो इस तरह के जो एरर उनको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो इसका मतलब ये तो इंस्ट्रूमेंटल, इसको ठीक भी किया जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तो ठीक किया जा सकता। कैसे? अब देखो, ठीक करने के केवल दो ही तरीके होने चाहिए, या तो इसको नेट जो आंसर आ रहा है उसमें कुछ जोड़ के, और वो जोड़ने वाली वैल्यू होनी चाहिए फिक्स, या फिर उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करके ठीक किया जा सकता है। नोट कीजिए, सिस्टमेटिक एरर दैट इज आल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर, दैट इज करेक्टेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन, या तो एडिशन से या सब्ट्रैक्शन के जिसको क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। ठीक है, एंड रीजन ऑफ द एरर इज सेम, हर जगह पे उसका एरर आने का रीजन, कारण एक ही होना चाहिए, तो उसको क्या बोल देंगे, सिस्टमेटिक एरर। चलिए अब आता है रैंडम। अब रैंडम के तो नाम से ही पता चल रहा है, सबसे पहले कि मैंने मेजरमेंट किया और मेरी रीडिंग कुछ आ गई, दूसरे बच्चे ने आके मेजरमेंट किया उसकी कुछ और आ गई, अब मेरे
अब सपोज बच्चे कोई और थे वो मेरे पास लेके आ रहे हैं, उनकी रीडिंग आ रही है ये, उस किसी की आ रही है ये, अब वो जो इंस्ट्रूमेंट दिया था ना उसमें जो इंस्ट्रूमेंट एरर था, सिस्टमेटिक एरर था, वो तो मेरे को पता था कि ये इंस्ट्रूमेंट की अगर रीडिंग 4.2 आती है तो इसका मतलब 4 है, इसका मतलब क्या है 4 है, यानी 0.1 ये परमानेंट इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसका खुद का एरर है। हो सकता है भाई जो उसका एंडिंग है वो रब कर रखे हो, या जो भी कारण हो सकता है कि ये तो मेरे फिक्स है, लेकिन जो रीडिंग आई वो तो उसके आसपास भी नहीं आ रही, वो आपस में एक दूसरे बच्चे की मैच ही नहीं कर रही। तो अब वो मेरे से पूछ रहे हैं कि आखिर कि सर हमारी रीडिंग ये आई, हमारी आई, अब क्या करें, इनका क्या कारण है। अब मैं क्या कारण बता सकता हूँ उसका? नहीं बता सकता भाई, मेरे को क्या बताया ऐसी क्यों आ रही है, क्योंकि आना तो ये था। अगर सभी बच्चों की एक जैसी गलती आ रही है तो मैं फटाफट बता दूंगा ये कारण है भाई, इसलिए आपकी ये गलती आ रही है, क्योंकि पता चल जाएगा सभी बच्चों की एक सी आ रही, और किसी की कुछ रीडिंग आ रही, किसी की कुछ आ रही, तो मेरे को क्या पता चलेगा क्या कारण है। तो ऐसे एरर को क्या बोल देंगे? रैंडम। ये कैसे हो सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं? या तो बच्चा लिस्ट काउंट में गड़बड़ी कर रहा है, लिस्ट काउंट का मतलब समझते हो ना, वो छोटी से छोटी वैल्यू जो इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सके, 10th क्लास में एमीटर और यानी एम्पियर मीटर जिसको बोलते हैं ना, एमीटर और वोल्ट मीटर की लिस्ट काउंट निकालनी सिखाई जाती है और पेपर में भी आती है। कैसे निकालते हैं कि जैसे ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें ये 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसके 10 स्मॉल डिवीजन के बाद 1 सेंटीमीटर होता है, तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा? जो 0 के बाद पहला जो इसका बड़ा काउंट आ रहा है, जिसकी वैल्यू इसमें लिखी हुई है, वो अपॉन में स्मॉल डिजिट, इसमें स्मॉल डिवीजन कितना है, कितना है 10, तो ये मेजर कर सकता है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका लिस्ट काउंट क्या हो गया? 0.1 सेंटीमीटर। कई बच्चे कह रहे हैं सर इतना तो टूटा हुआ था, इतना तो क्या था कि टूटा हुआ था, और उसके बाद 2 सेंटीमीटर और इसमें डिवीजन पता चल, अब क्या करें, अब क्या करें? तो अब हम क्या ऐसे करते हैं कि आपने तो कहा था पहली रीडिंग क्या आ रही है, 1 आ रही है और इसमें कुछ भी नहीं था, क्या 1/1 कर दे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप क्या करोगे, दो कोरस्पोंडिंग मेजरमेंट, यानी कोरस्पोंडिंग जो रीडिंग है ना इंस्ट्रूमेंट की, नजदीक नजदीक वाली, कि एक के बाद 2 आ रहे हैं, तो पहले क्या करोगे उनमें से उसको सबट्रैक्ट करोगे, यानी एक्चुअल मेथड तो यही है 2 - 1। अगर आपका ऐसे होता तो 2 और 3 के बीच में कोई काउंट कर लेता तो क्या करते, 3 - 2, ठीक है। और अगर कोई करता 90 और 92 के बीच में, 92 - 90, और अपॉन में जहां से जहां तक के आप रीडिंग काउंट करोगे वो सारी लिखनी पड़ेगी। सपोज इनके बीच में आपका 2 और 3 के बीच में ये हो गया 3 - 2, 3 - 2 अपॉन में 10 = 1/10, वही आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए कितने हो गए, 2, तो डेफिनेटली आपके डिवीजन की वही वही बात वही है, इंस्ट्रूमेंट सेम है, तो कितने डिवीजन मिल जाएंगे, 20। तो ऐसे निकालते हैं लिस्ट काउंट। तो इसके कारण भी हो सकती है कि लिस्ट काउंट निकालने में किसी ने गलती कर दी हो, ऐसे भी हो सकती है। अब मेजरमेंट वो आपकी मर्जी, कोई ऐसे पकड़ के मेजरमेंट कर रहा, कोई है इस बोर्ड का मेजरमेंट करना, लेंथ निकालनी है, निकालते निकालते कोई इधर पहुंच गया, तिरछा मेजरमेंट आएगी गलत, किसी ने यहाँ कर दिया, किसी ने थोड़ा इधर कर दिया, किसी ने थोड़ा इधर किया, इस तरह के एरर्स को बोलते हैं रैंडम एरर। तो आज हमने मेजरमेंट में एक्यूरेट और प्रिसिस को सीखा, और एरर एनालिसिस में मैंने आपको बताया कि केवल 2 ही तरह के होते हैं, मैं सारे के सारे जितने भी आपकी बुक में लिखे हुए हैं सभी को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड न्यूमेरिकल्स उनमें यूज करके दिखाऊंगा, जो बुक में टाइप दे रखे हैं उनको। लेकिन आप मेनली एक्चुअल में 2 ही टाइप होती हैं, वो सारे इसके पार्ट हैं, बाकी जितने भी हैं वो इन्हीं के पार्ट होते हैं। जैसे न्यूमेरिकल करेंगे उनमें मैं उन सभी को यूज करता जाऊंगा, कि अब ये करते हैं और साथ में लिखूंगा इसका ये है, ठीक है, वहां पे साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा। टाइप केवल 2 ही मैं बता रहा हूँ अब भी, कि आप 2 ही लिखना, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, और आना भी चाहिए। तो जिन जिन को समझ में आया फटाफट लाइक पे क्लिक करें। थैंक्स।